यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं, और जब ये इस तरह से ग्रो होती हैं कटिंग्स ना, तो देख के बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो छोटी छोटी पत्तियाँ अभी निकल रही हैं। ये जो है मधुमालती का पौधा है जिसकी कटिंग मैंने लगाई थी। मैं एक पौधा नर्सरी से ले आई थी और बहुत सारे जो है कटिंग लगाई थी। एक महीने तो की देखिए बहुत सारे बारिश पौधों की होगी, वैसे भी एक कटिंग महीने की लगाई है, बारिश तो होगी ढेर सारी बस। कटिंग चल गई हैं। अभी इसको मैंने तीसरी बार लगाया था, इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है। 2 बार पानी में ये बरसात में गल गया था, तो तीसरी बार जब लगाया तो तीनों कटिंग चल गई है अच्छे से। और अभी तो 1-2 महीने बाद रिपोर्ट करूँगी। तो अभी मॉर्निंग का समय है। हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है, और मैं फिर से टेरेस पे आ गई हूँ। सुबह का जो भी काम है वो मैं कर आई हूँ। बच्चों की आज छुट्टी है तो वो लोग सो रहे हैं अभी। हम चाय पी चुके हैं और अभी जो है बच्चे जब जगेंगे तो उसके बाद नीचे चलेंगे, क्योंकि इनका तो ऑफिस रहता है। बच्चों की भले छुट्टी हो, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में मेरा काम कम था क्योंकि टिफ़िन नहीं बनाना था बच्चों के लिए। तो आ गई टेरेस पे चाय पी करके, और इसके बाद ना सोचा कि धीरे धीरे क्यारियों को मैं मैनेज कर रही हूँ। पिछले वाले वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। तो अब इधर साइड की कुछ क्यारियाँ हैं, इसमें ये सदाबहार या विंका का जो पौधा है बहुत ज़्यादा फैल गया था। वैसे इस क्यारी को मुझे खाली करना है, तो इस पौधे को मैं यहाँ से कटिंग करके हटा दूँगी। और अब इस क्यारी में कुछ नए पौधे मुझे सर्दियों में लगाने हैं, तो इसकी अच्छे से कटिंग करूँगी। बहुत मोटी मोटी इसकी शाखाएँ हो गई हैं, तो इनको निकाल करके हटा दूँगी। और कुछ और पौधे हैं जिनकी कटिंग कर दूँगी। थोड़ा सा टाइम है तो आधा 1 घंटा तो यहाँ मैं रहूँगी अभी सुबह में गार्डन में। तो कुछ ऐसे ही काम जो है धीरे धीरे करती हूँ। एक साथ तो सारा काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे भी देखना होता है, घर में भी देखना होता है, नाश्ता वगैरह और बच्चों का भी सारा काम। तो इसलिए 1-1 घंटा भी अगर समय दिया जाए गार्डन में ना, तो ठीक रहता है, मैनेज रहता है। और पानी देना हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इस टाइम बारिश हो रही है तो मुझे बड़ा आराम है। तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है, और ये बंद करो, ये इन भी लोगों बंद को। कर दो। हाँ मैं आपने आपसे बिग ब्रेड। इन लोगों का गैप है, पेपर कल है, और मौसम बहुत अच्छा हुआ है तो इसलिए सबका मन है कि छत पे पढ़ाई करेंगे ना। मेरा मन नहीं है, वो जबरदस्ती ले जा। इनको मन नहीं है, इनको जबरदस्ती लिया जा रहा है, तुम्हारे पढ़ने का ले जा रहे हैं। चलो तो पढ़ने का, और मैं कुछ काम करूंगी अपने गार्डन का, ये लोग पढ़ने का। तुम बुक क्यों नहीं लिए हो? तन्मय, तुमसे कहते ना कि मॉरल की और उसकी बुक ले लेना जीके की, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं। ये देखो खाद। चलो चलो। तो बारिश हो रही है, धूप बिल्कुल नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग छत पे आ गए हैं। मुझे कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करनी है। ये लोग बैठ के पढ़ेंगे, तन्वी पढ़ेंगी, और बाबू तो वैसे भी शैतान है। कुछ काम भी फैला के गए थे, उसको भी साफ करना है। हम जा रहे मिट्टी। देखिए इधर गंदगी फैला के गए थे सुबह, ये सब हटाना है। अरे मम्मी मम्मी, हाँ जी, बुक मिला। तो दिन में जब मौसम अच्छा होता है ना, तो मैं आ करके छत पे फिर से ऐसे काम कर लेती हूँ। अगर नीचे कोई काम नहीं रहता है या कोई नहीं आया रहता है तब, तो आज बच्चे घर पे हैं तो मैं फ्री भी हूँ, और बच्चे भी साथ में ऊपर आ जाएंगे तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। इसलिए मैंने सोचा चलो अपने गुड़हल के इन 2 पौधों को मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो इनकी अच्छे से मिट्टी बनाऊंगी, और इनको गमलों में से निकाल करके इनके जड़ों को काटूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जड़ें फैल गई हैं, इसमें फूल नहीं आ रहे थे, तो इसलिए इनको रिपोर्ट करना था। बहुत दिनों से सोच रही थी, फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है, तो इसको अच्छे से रिपोर्ट कर दूंगी और खाद दे दूंगी। तो नवरात्रि तक मेरे इन गमलों में भी फूल भर भर के आने लगेंगे। इनको कंपोस्ट भी दूंगी अच्छे से। तो चलिए मिट्टी तैयार कर लेती सो हूँ। गाइस, आज हम लोग आए गार्डन में, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। आज हम लोग आए गाइस गार्डन में, देख सकते हैं यहाँ पे हम मिल रहे हैं गार्डनर से। गाइस ये देखिए गाइस, आप क्या कर रही हैं? मैं आज पौधों की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, क्यों कर रही है ये? क्योंकि उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसमें फ्लावर्स आने लगेंगे। नवरात्रि आ रही है ना, तो गुड़हल के पौधों को तैयार कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या किस पौधों में फ्लावरिंग करना है, इन सब में या फिर उसमें? गुड़हल में आज कंपोस्टिंग करूंगी, रिपोर्टिंग करूंगी। वो कौन है बैठ के? दीदी है, और कैमरा बहुत हिला रहे हैं आप, तो आप दूरी बनाइए, जाइए आप अपना काम करिए, आप भी पढ़िए दीदी के साथ। मैं पढ़ने के लिए कुछ लाया नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। गलत बात है, जाओ। तो गाइस आप भी इसको देख ले, देखिए इस चश्मे से कुछ इस प्रकार का दिखता है। मैं डाल दूंगी ये, इस प्रकार का दिखता है। मेमोरी मत फुल करो। तो गाइस अभी हम ये चश्मा लगा के आए हैं, क्योंकि हमें फील्डिंग करना है, तो एंजॉय। ओके, एंजॉय टाइम लैप्स।
तो गार्डन से आके थोड़ा सा रेस्ट करके और हॉस्पिटल जा रहे हैं। आजकल डेंगू इतना फैला हुआ है कि सब लोग बीमार चल रहे हैं। एक बार और भी हॉस्पिटल गए थे लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं किया। आज भतीजी बीमार है तो उसको देखने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है तो एडमिट करना पड़ा है, तो उसी से मिलने जा रहे हैं। और तन्वी भी जा रही है मेरे साथ, तन्वी भी तैयार हो चुकी हैं। कहाँ हो जी तन्वी? तन्वी देखिए किचन में कुछ कर रही है लड़की। तन्वी नहीं है, है इधर, इधर डोर में देखो, उसमें भूल गए रखना। क्या क्या बनेगा? कहाँ? इसके डोर में देखो इधर, वो नीचे है ये। हाँ इस दिस इमली। यस हाँ ले जाओ, रुक जाओ। तो आज का जितना हो सके हेल्दी चीज़ें खाइए, बाहर की चीज़ें ना खाइए। बच्चे तो मानते नहीं हैं लेकिन देखिए इस तरह से सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी भैया बीमार थे तो उनको मैं हॉस्पिटल गई थी देखने, और फिर देखिए भतीजी भी बीमार पड़ी है तो उसको भी जा रही हूँ देखने। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स ले रही हूँ और ले करके फिर चलते हैं। तो आप सब भी हेल्दी खाइए। और हॉस्पिटल आ गए हैं तो यहाँ अच्छा नहीं लगता रिकॉर्ड करना, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया यहाँ पर, और वो बीमार भी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर घर आ गए थे और वहाँ से इतना मोटिवेशन मिला ना। तन्वी इमली भिगो करके गई थी कि मम्मी गोलगप्पे लाना, और उनके पापा बोलते हैं कि पानी घर पे बना के आप लोग जो है गोलगप्पे खाया करिए, क्योंकि वो सब पानी अच्छा नहीं देते हैं, एसिड वगैरह शायद मिक्स करते हों तो इसलिए। लेकिन वहाँ पे देखने के बाद उसकी हालत ना, फिर हुआ कि नहीं बाहर से अब कुछ भी नहीं लेंगे, चलो घर पे कुछ हेल्दी बनाएंगे। तो बच्चे भूखे थे तो तन्वी बोली कि मम्मी तब फिर कुछ बनाओ, मुझे भूख लगी है। तो मैं उनके लिए उपमा और चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे रवा मैंने लिया है सूजी, और उसी से उपमा बनाऊंगी, साथ में मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। और सब लोग हेल्दी खाइए, कोशिश हम भी कर रहे हैं कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, ताकि घर का ही खाएं, बाहर का कुछ ना खाएं। हवा बहुत ख़राब चल रही है, सब लोग बीमार हो रहे हैं। शायद ही सुनने में आए कि किसी घर में कोई बीमार ना हो, तो इस टाइम बहुत डर लग रहा है। डेंगू तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो बच्चों को मैं इस तरह से हेल्दी आज दे रही हूँ, थोड़ा सा मोटिवेटेड हो गई हूँ मैं भी और बच्चे भी। तो तन्मय आज फाइनली तैयार हो गए हैं ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए। तो कुछ भींगे हुए बादाम, जौगरी या गुड़ दिया है, गुड़ वो खाता है वैसे मन से, थोड़े से काजू और थोड़े भींगे चने, और दूध के साथ उसको दे रही हूँ नाश्ता। और साथ में थोड़ा बहुत उपमा वो खाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको मीठा पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें तन्मय को दे देती हूँ, वो खा लेते हैं। और तन्वी के लिए उधर उपमा बना रही हूँ। तो हर बच्चे को अलग अलग देना ही है, उन लोगों की पसंद अलग अलग है। तो आज मेरा बेटा बहुत ज़्यादा दिए हैं, और ले लेना, मांग लेना, और एक टुकड़ा और दे देंगे। आज मेरा बच्चा खुश हो गया है, तो सप्ताह में एक दो दिन खुश हो जाता है, तो इस तरह से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लेता है दूध के साथ। डेली खाओगे पक्का? चलो ठीक है। तो तन्वी के लिए उपमा यहाँ पे बन चुका है, और अब जो है चटनी फ्राई कर रही हूँ, तो वो उपमा और चटनी खाएंगे। उनको चटपटा ही चाहिए चाहे किसी भी हालत में हो। फ्रूट्स वगैरह भी वो लड़की नहीं खाती है, बहुत परेशान करती है, तो उनको इस तरह से रवा दे देती हूँ। रवा थोड़ा सा फ़ायदा करता है तो दे देती हूँ, कभी इडली बना करके और कभी उपमा बना करके। तो मतलब सूजी की चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं, तन्वी को ज़्यादा तो खाती हैं, तो इसलिए सोचा कि चलो भाई बाहर से तो नहीं आएगा तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो चटनी फ्राई कर दिया है मैंने थोड़ा सा राई और करी पत्ते से, और यहाँ पे उनको चटनी और उपमा दे देती हूँ, तो ये भी खा लेंगी, दोनों बच्चे खा लेंगे। तो इसके बाद फिर से मैं छत पे देखूँगी तो जाऊँगी, या फिर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करती हूँ बच्चों को नाश्ता करा लेने के बाद। लो ये इनका नाश्ता, अभी पापा आएंगे तो उनके लिए कुछ और नाश्ता, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में से वो नहीं खाएंगे। क्या है उसका? ड्राई फ्रूट्स है। बाबू थोड़ा सा उपमा खा लो, टेस्ट करके बताओ। इनका क्या चल रहा है? यूट्यूब चल रहा है। पढ़ाई कब होगी? खा के आप लोग पढ़ने बैठ जाइए, कल पेपर है इन लोगों का, दोनों लोगों का। अब घर में जितना कंबल हो ना सब बाहर निकाल लो। लो मौसम आज ठीक है, फैन से ही काम चल जाएगा। मुझे हिचकी आने लगी। क्या सो टेस्टी है? सही है, मुंह बना रही हो? चटनी कैसी है? चटनी कैसा है? फिर हद है, सही है। इतने लेट में टेस्ट समझ में आता है? खिलाओ मुझे भी, देखे एक चम्मच।
थोड़ा सा वो मूंगफली मुझे लग रहा है ना क्या भैया, ठीक है देखो पापा तीखा है लेकिन तीखा नहीं लग रहा है, तीखा लग रहा है मुझे तो। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।